हेलो गाइस, ये मारुति सुजुकी बलिनो जीटा वेरिएंट है। ब्लैक कलर में है ये। इसमें जो वेरिएंट आते हैं वो जान लेते हैं। सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा इसका टॉप वेरिएंट है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ में इंडिकेटर फॉग लैंप नहीं मिलते। आप थर्माकट आप लगवा सकते हैं। इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, तो फ्रंट प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। साइड मिरर पैटर्न इंडिकेटर दिए गए हैं इसके। और बात करेंगे व्हीलों के, तो इसमें आपको देखिए अपोलो के टायर दिए गए हैं, जिनका साइज़ है 195/5/5 16 इंच के व्हील मिल जाते हैं, जो कि अलॉय व्हील दिए गए हैं। और इसमें आपको साइड मिरर पैटर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। डोर हैंडल आपको क्रोम पे दिए गए हैं टच बटन के साथ। ये साइड प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल से भी कुछ ऐसा ही लुक है गाड़ी का देखने में। देखिए इसमें आपको एंटीना दिया गया है। और ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की, तो रियर प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। देखिए रियर में आपको CNG का स्टिकर दिया गया है और हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफोगर, रियर वाइपर भी इसमें दिए गए हैं। ये डिफोगर है, ये रियर वाइपर है। यहाँ पे आपको पार्किंग कैमरा भी दिया गया है इसमें। ये देखिए पार्किंग कैमरा भी जीटा वेरिएंट में मिल जाता है। चार पार्किंग सेंसर, दो रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे रियर के बम्परों पर। तो रियर प्रोफाइल से कुछ ऐसा ही लुक है गाड़ी का देखने में। यहाँ से आप फ्यूल भरवाएंगे। डोर हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं, टच बटन के साथ मिल जाते हैं। ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, तो दूसरी साइड से भी कुछ ऐसा ही लुक है गाड़ी का देखने में। यहाँ पे भी क्रोम मिल जाता है आपको इसमें पूरा, दोनों के साइडों में। CNG का स्टिकर आपको फ्रंट विंडशील्ड पे भी मिल जाएगा। चलिए बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं। इसमें आपको रियल पल्सर ट्रे दी गई है, कंपनी फिटेड है ये। और CNG का सिलेंडर लगा हुआ है और साथ में स्पेयर व्हील मिल जाता है। CNG का सिलेंडर लगने के कारण बूट स्पेस उतना अच्छा खासा नहीं मिल पाता। इसमें लगेज रूम लाइट दी गई है। देखिए CNG का सिलेंडर लगने के कारण इसमें बूट स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। इसमें 7 से 8 kg CNG आती है, अगर आप इसे पूरा फिल करवाते हैं तो। बूट स्पेस भी आपने देख लिया। चलिए रियर डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है इसमें। इनसाइड हैंडल क्रोम पे, पावर विंडो, बूट रखने का स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश भी दी गई है। हेडरेस्ट इनमें दिए गए हैं, 3-3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे और साथ में ही आपको देखिए चार्जिंग स्लॉट दिए गए हैं, USB चार्जिंग स्लॉट मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, इसके पीछे स्पेस नहीं मिलता। हेडरेस्ट इनमें दिए गए हैं, हेडरेस्ट, और साथ में ही आपको ये वाला डोर भी, पावर विंडो, ब्लैक पियानो फिनिश, बोट लगने का स्पेस दिया गया, स्पीकर मिलते हैं। ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में। यहाँ पे हुक भी दिया गया सामान कैरी करने के लिए। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है, जिसे कि डोर लैंप भी कहते हैं। और अपोस्ट्री आपको ब्लैक ही दी गई है, फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ तो फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक आप देख रहे हैं बलिनो जीटा वेरिएंट की। तो फ्रंट डैशबोर्ड की लुक भी आपने देख ली। चलिए फ्रंट डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। ये फ्रंट डोर का इंटीरियर है, देखिए इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको टूटर मिल जाते हैं, दो टूटर मिलेंगे इसको, राइट में और लेफ्ट में डोरों पे। तो दो टूटर मिल जाएंगे आपको इसमें। यहाँ पे लेदर की अपोस्ट्री मिल जाती है। चारों डोर इसमें पावर विंडो मिल जाएंगे ऑटो के साथ। ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है। लॉक अनलॉक कर सकते हैं, शीशों को भी लॉक कर सकते हैं। साइड मिरर को यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, बोट लगने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं। ड्राइवर सीट आपको देखिए, ड्राइवर सीट बैक एडजस्ट, हाइट एडजस्ट दोनों फीचर्स मिल जाते हैं। राइट साइड में AC वेंट्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलिंग के, ESP के और CNG के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो CNG गाड़ी है, उसके कंट्रोल CNG पे और पेट्रोल पे दोनों पे ड्राइव कर सकते हैं आप। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएगा।
बात करेंगे MID की, तो इसमें आपको देखिए टेम्परेचर, क्लॉक, किलोमीटर बताएगा, कुछ वार्निंग लाइटें भी इसमें दी गई हैं। तो इसमें आपको देखिए ऑडियो कंट्रोल्स, फोनी कंट्रोल, स्टेयरिंग व्हील पे ही मिल जाते हैं, वॉइस कमांड भी आप दे पाएंगे। राइट साइड में हेडलाइट के, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स। इसमें आपको SRS एयरबैग का मोनोग्राम क्रोम इसके साथ दिया गया है। इसमें आपको टिल्ट, टेलीस्कोपिक, तो दोनों फीचर्स मिल जाते हैं, टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है। इसमें देखिए ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है आपको, इसमें FM AM प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, टच स्क्रीन है ये। यहाँ पे आपको ऑटो AC मिल जाता है, साथ में ही आपको USB ऑक्स के ऑप्शन, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 2 कप होल्ड रखने का स्पेस मिल जाएगा। ये जो की दी गई है लॉक अनलॉक कर सकते हैं, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। इसमें गियर लीवर 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ मिल जाता है, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ, आर्मरेस्ट दिया गया है कुछ स्पेस के साथ। और ये आपका ग्लो बॉक्स जो बहुत ही बढ़िया स्पेस ही है। ये वाला डोर भी इनसाइड हैंडल क्रोम पे ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है और लेदर की यहाँ पे फिनिश मिल जाती है। बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं। फ्रंट में आपको सनवाइजर दिया गया है, रीडिंग लैंप मिल जाता है आपको इसमें, देखिए IRVM डे नाइट है, डे नाइट IRVM मिल जाता है। और ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटरी मिरर के साथ ग्रिप असिस्टेंट। तो इसमें आपने फ्रंट डोर का इंटीरियर भी देख लिया, तो इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स आपने इसके पूरे देख लिए। बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है पहले वो जान लेते हैं, बलिनो जीटा विथ CNG वेरिएंट का, जीटा CNG वेरिएंट का। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 9,28,000। इसका एक्स शोरूम प्राइस है ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 10,51,880 इसका ऑन रोड प्राइस है, दिल्ली का प्राइस जो मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं अब इसके माइलेज की, तो इसमें आपको 30.61 किलोमीटर पर KG की माइलेज मिलेगी CNG में। और बात करेंगे इंजन की, तो इसमें आपको 1197 CC का इंजन दिया गया है। बात करेंगे पावर की, तो इसमें आपको पावर जो मिलती है 76.43 BHP की पावर मिलेगी आपको 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो इसमें आपको 98 Nm की टॉर्क मिलेगी 4300 RPM पे। बूट स्पेस जो दिया गया है इसमें 318 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। बात करेंगे इसके डायमेंशन की, तो इसमें आपको लेंथ जो दी गई है 3990 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1745 mm की, हाइट है 1500 mm की इसकी हाइट है। व्हील बेस है इसका 2520 mm का इसका व्हील बेस है। और बात करेंगे इसके कर्व वेट की, तो इसमें आपको जिसका जो कर्व वेट है 1015 kg से लेकर 1030 kg तक का इसका कर्व वेट है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो दी गई है इसमें 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। बात करेंगे टर्निंग रेडियस की, तो 4.85 मीटर का टर्निंग रेडियस है। ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। बात कर लेते हैं सस्पेंशनों की, तो इसमें आपको जो फ्रंट सस्पेंशन दिए गए हैं वो इसमें आपको MacPherson स्टर टाइप दिए गए हैं। रियर सस्पेंशन आपको टोरिजन बीम टाइप मिलेंगे रियर सस्पेंशन। और अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग दिए गए हैं, ABS विथ EVD, ABS यानी एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, EVD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, BA दिया गया है ब्रेक असिस्ट। और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा। और चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है, रियर के दोनों डोरों पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है इसमें। और रिमोट की दी गई है, और इसमें आपको साइड मिरर फोल्डेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। तो सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं इसमें जो एक गाड़ी में होनी चाहिए, तो सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको कर्टन एयरबैग भी दिया गया है जो कि पिलर पे मिलता है देखने को। तो इसमें आपको 4 एयरबैग मिल जाते हैं, एयरबैग इसके यहाँ पे भी दिए गए हैं देखिए पिलर पे भी। तो इसमें आपको टोटल 4 एयरबैग दिए गए हैं। तो यही था इस वीडियो में, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।